हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के बारे में बताएंगे आज आपको जो है। लेकिन सबसे पहली बात, वैक्सीन्स में क्या है, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है। एक्टिव वर्ड का मतलब होता है बॉडी हमारी एक्टिव है, यानी कि लड़ रही है। पैसिव वर्ड का मतलब होता है कि हमारी बॉडी एक्टिव नहीं है, यानी कि वो नहीं लड़ रही है जो है। बॉडी को हम या तो एक्टिवली इम्यूनाइज करते हैं या फिर पैसिवली इम्यूनाइज करते हैं जो है। अब इसको हम समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। नंबर एक पॉइंट है पैसिव इम्यूनाइजेशन, और नंबर दो है एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है। पैसिव इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडी, यानी कि माता से बच्चे को कुछ एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, और उसको हम बोलते हैं मैटरनल एंटीबॉडी। जैसे कि एग्जांपल के रूप में लिख रखा है कोलेस्ट्रॉल आल्सो प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फर्स्ट मिल्क। जैसे कि गाय का बच्चा पैदा होता है, जो फर्स्ट मिल्क उसका होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, या माँ जो होती है जो डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है उसको भी हम कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज होती है, जो कि बच्चे को डिफरेंट टाइप्स के रोगों से बचाती है जो है। तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल मैटरनल एंटीबॉडी, यानी माता से जो एंटीबॉडी बच्चे को मिलती है उसको हम बोलते हैं मैटरनल एंटीबॉडी। लेकिन सेकंड पॉइंट है आर्टिफिशियल इम्यून सीरम। जैसे कि टेटनस के अगेंस्ट हम जो है, आप जानते हैं टेटनस के अगेंस्ट हम हॉर्स में एंटीबॉडी प्रिपेयर करते हैं और फिर देते हैं उसको जो है, या फिर यहाँ पे रेबीज की वैक्सीन हो गई, या प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक बाइट, यानी स्नेक के बाइट से बचने के लिए जो हम बनाते हैं एंटीबॉडी, वो इस कैटेगरी में आती है आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। यानी आर्टिफिशियली हम एंटीबॉडी बाहर बनाते हैं, किसी अदर अंग से बनाएंगे, जैसे कि हम घोड़े में बना रहे हैं या किसी भी अदर अंग से बनाएंगे एंटीबॉडी, और बनाने के बाद फिर एंटीबॉडी ह्यूमन बींग में ट्रांसफर करेंगे जब उसको रिक्वायरमेंट होगी। रेबीज के बारे में भी आप जानते हैं, स्नेक बाइट के बारे में भी जानते हैं, उस समय हम हॉर्स से एंटीबॉडी बना करके डालते हैं ह्यूमन बींग की बॉडी में, जो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इम्यून सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव वर्ड का मतलब हमारी बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व होगी, यानी हमारी बॉडी वर्क करेगी, वो एंटीबॉडी फॉर्म करेगी, हमको इन्फेक्शन होगा और हमारी एंटीबॉडी फॉर्म होगी। और यही पे आप जान लीजिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, अगर एक बार कोई भी एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बन गई तो 15 डेज के अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, यानी 15 दिन के अंदर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में फॉर्म होती है पहले। उसके बाद सेकेंडरी टाइम में अगर वही इन्फेक्शन दोबारा होता है तो हमको उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है जो है। तो इसको बोलते हैं हम जो है यहाँ पे एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है, एक्टिवली हमारी बॉडी इन्वॉल्व होगी। इसको हम मेनली निम्न दो भागों में बांट के स्टडी करते हैं। नेचुरल इन्फेक्शन, यानी हमारी बॉडी में नेचुरली बहुत सारे इन्फेक्शन होते रहते हैं। हम बाहर जा रहे हैं, पता लगा गंदा कुछ छू रहे हैं, हम टच कर रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस ही है, हम टच कर रहे हैं अगर कहीं पे तो वो वायरस हमारी बॉडी में जा रहा है, या इन्फ्लुएंजा का वायरस जा रहा है, कोई सीक रहा है, खांस रहा है और हमारी बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में आ रही है और हमारी बॉडी में वो वायरस जा रहा है, तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी फॉर्म होती है। 15 दिन का समय लगता है, हो सकता है बीमार भी पड़ सकते हैं, हमको एंटीबायोटिक भी लेना पड़ सकता है, या मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, हमने नहीं लिया एंटीबॉडी, तो उस समय हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म भी होती है, उसको बोलते हैं नेचुरल इन्फेक्शन। हमारी बॉडी में लगातार नेचुरल इन्फेक्शन होते रहते हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्म भी होती रहती है। और नेक्स्ट देखिए आर्टिफिशियल इन्फेक्शन, यानी कि हम बॉडी को आर्टिफिशियली इन्फेक्ट कराते हैं वैक्सीन्स के थ्रू। वैक्सीन्स के थ्रू डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेंस हम डालते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग एंटीजेंस हमको डालते हैं, लेकिन वहां से डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हटाते हुए हम डालते हैं और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इन्फेक्शन। इसमें फर्स्ट कैटेगरी है एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म हम यूज करते हैं, या फिर इनएक्टिवेटेड वायरल या बैक्टीरियल वैक्सीन यूज करते हैं, टॉक्सॉइड वैक्सीन यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट एडीएन वैक्सीन यूज करते हैं, इसके अलावा डीएनए वैक्सीन, यानी बहुत सारी तरीका है वैक्सीन को बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ तरीकों के बारे में हमको बता रहे हैं। तो नंबर एक तरीका यहाँ पे है एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। एटेन्यूएटेड का मतलब दुर्बल कर देना, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस है वो डिजीज कॉज कर रहा है, उसमें से हम डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी हटा दें तो उसको हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म। कैसे हटाएंगे हम, उसको कल्चर करेंगे डिफरेंट तरीके से, कम टेम्परेचर पे करेंगे, ज्यादा टेम्परेचर पे करेंगे, जो उसकी खाने की रिक्वायरमेंट है उसको कम करेंगे, यानी कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स कम प्रोवाइड करेंगे या ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके किसी भी प्रकार से मेडिसिन करा देंगे, और मेडिसिन कराने के बाद उसकी डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी को हम हटा देंगे, और हटाने के बाद तब वो वैक्सीन हमारी रेडी होगी, और ऐसी वैक्सीन को हम बोलते हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन। यहाँ पर हमने लिख रखा है दे लूज देयर एबिलिटी टू कॉज सिग्निफिकेंट डिजीज, यानी वहां पर डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी उस ऑर्गेनिज्म की, वायरस की या बैक्टीरिया की जो है, बट रिटेन देयर कैपेबिलिटी फॉर ट्रांजिएंट ग्रोथ, यानी वहां पे ग्रोथ लगातार होगा, वो बैक्टीरिया वायरस ग्रोथ तो करेगा, डिवाइड तो करेगा, बट डिजीज कॉज नहीं करेगा जो है। विद इन एन इनोकुलेटेड होस्ट, यानी जहां पे जिस भी ह्यूमन बींग्स ने डाला है वहां पे वो ग्रोथ अपना करेगा जो है। पैथोजन कैन बी एबनॉर्मली कल्चर्ड बट प्रॉब्लम कम्स व्हेन इट इज रिवर्टेड। कभी कभी क्या होता है कि रिवर्ट भी हो सकती है वैक्सीन हमारी, लेकिन इसके चांसेस कम होते हैं यहाँ पे एटेन्यूएटेड वैक्सीन में। उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह करके तब उसको हम मार्केट में वहां पे लॉन्चिंग करते हैं जो है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है इनएक्टिवेटेड वायरल और बैक्टीरियल वैक्सीन जो है। इसमें क्या करते हैं, हम इनएक्टिवेट कर देते हैं बैक्टीरिया या वायरस को, इनएक्टिवेट कर देते हैं, और इनएक्टिवेट करके उसको वैक्सीन के रूप में यूज करते हैं, यानी वहां पे ग्रोथ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, डिजीज कॉज नहीं करेगा, बट उसका आउटर स्ट्रक्चर एपिटोप होगा जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में वो फॉर्म करेगा जो है।
यानी इनएक्टिवेट पैथोजन बाय हीट या किसी केमिकल से, तो गर्म करके हम उसको इनएक्टिवेट कर देंगे या फिर कोई केमिकल डाल के, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड कोई केमिकल डाल करके वहां पर इसको इनएक्टिवेट कर देंगे और पैथोजन के पास लॉन्गर ग्रोथ नहीं होगी, लॉन्गर एप्लीकेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है एंटीजन या एपिटोप हमको जो है वहां पे सेम रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से वायरस है तो इस वायरस के अंदर हमारी बॉडी में इस प्रकार से एंटीबॉडी फॉर्म होती है, यानी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर वायरस गया तो हमारी बॉडी में इस तरीके से एंटीबॉडी वहां पे फॉर्म होगी इस वायरस के अंदर। तो आउटर स्ट्रक्चर हमको इसका डिस्टर्ब नहीं करना है, जब भी हम किल कर रहे हैं, जब भी हम हीट कर रहे हैं, केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आउटर स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि एंटीबॉडी इसी आउटर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट बनती है। यानी इसको हम इपिटोप बोलते हैं, ये हमारा इपिटोप होगा और ये हमारा पैराटोप होगा, यानी आउटर स्ट्रक्चर हमको चेंज नहीं करना है इसका जो है। नेक्स्ट हमारा है टॉक्सॉइड वैक्सीन, फॉर एग्जाम्पल डिप्थेरिया या फिर टेटनस के केस में, डिप्थेरिया गले का इन्फेक्शन होता है, टेटनस के बारे में आप जानते ही हैं जो है कि चोट लगने पर टेटनस हो जाता है, दे आर बैक्टीरियल पैथोजन, ये बैक्टीरियल पैथोजन होते हैं और ये क्या करते हैं एग्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, ये कुछ एग्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टेटनस का बैक्टीरिया ये एग्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, यही एग्रोटॉक्सिन हमारे लिए न्यूरोटॉक्सिक होता है। इस टॉक्सिन को हम वहां पर प्यूरीफाई करेंगे जो है, इसको प्यूरीफाई करेंगे और फिर इसको इनएक्टिवेट करेंगे टॉक्सिन को फॉर्मल्डिहाइड से या फिर किसी चीज से, और इसको हम बोलेंगे टॉक्साइड, इसको इनएक्टिवेट कर दिया हमने, इसको प्यूरीफाई किया, ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है इसको प्यूरीफाई किया, इसको इनएक्टिवेट कर दिया फॉर्मल्डिहाइड से और ये हमारा टॉक्साइड हो जाएगा और इसी का हम वैक्सीनेशन करेंगे और इसी के अगेंस्ट जो है वहां पर एंटी टॉक्साइड एंटीबॉडीज हम फॉर्म करेंगे मुख्य रूप से। तो ये एक तरीका ये हो गया। सेकंड नेक्स्ट तरीका है हमारा है रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन, यानी कि यहाँ पे क्या होता है जो जीन इनकोड करता है किसी भी इम्यूनिक प्रोटीन को उसको हम आइसोलेट करेंगे, क्लोन करेंगे किसी बैक्टीरियाइस्ट या मैमेलियन सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, और पहली डेवलप की हुई वैक्सीन है उसके लिए हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है, यानी कि हम उस जीन को यहाँ पे क्लोन करेंगे जो कि आउटर स्ट्रक्चर को कोड कर रहा है, आउटर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है, उस जीन को हम कोड कर लेंगे, उसको हम क्लोन कर लेंगे, क्लोन करने के बाद वो सिक्रेट करेगा बैक्टीरिया और उसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे वैक्सीन के रूप में जो है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अंदर की चीजें तो नहीं रहेगी, न्यूक्लिकेशन तो नहीं रहेगा, बट आउटर स्ट्रक्चर रहेगा, आउटर स्ट्रक्चर से अगेंस्ट एंटीबॉडी फॉर्म होगी और कभी वो वायरस दोबारा हमको इन्फेक्ट करता है तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी फॉर्म रहेगी। एक बार एंटीबॉडी बन गई उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा हमको कोई दिक्कत नहीं होती जो है। नेक्स्ट डीएनए वैक्सीन, प्लाज्मा डीएनए जो कि इनकोड करता है किसी भी वायरल एंटीजन को, उसको इंजेक्ट कर सकते हैं किसी भी मसल्स में, रेसिपिएंट के मसल्स में, और वहां पे वो ह्यूमरल रिस्पॉन्स यानी कि बी सेल का रिस्पॉन्स और सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स यानी कि टी सेल का रिस्पॉन्स दोनों वहां पे क्रिएट करता है। यानी वैक्सीन जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीन को प्रोडक्शन करने के बाद उसका बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है, जब वैक्सीन बिल्कुल सेफ होगी तभी मार्केट में आएगी, प्रोडक्शन तो हम कर सकते हैं बट किसी भी प्रकार से हमको हार्मफुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हमने दिए हुए हैं, किसी भी इसके अलावा और भी मेथड्स पाए जाते हैं, किसी भी मेथड को यूज करते हुए हम वैक्सीन बना लेंगे और बनाने के बाद फिर उसको ट्रायल करेंगे, अगर पूरी तरह से वैक्सीन सेफ होगी तभी मार्केट में हम लॉन्च करेंगे उसको, अदरवाइज इसीलिए अभी कोरोना वायरस का प्रॉब्लम जो चल रहा है तुरंत वैक्सीन नहीं लॉन्च हो पा रही क्योंकि बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इसके अलावा जो भी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, जो भी बोर्ड है हमारा उससे परमिशन लेना पड़ेगा और वो भी जब क्लिनिकल ट्रायल में सब कुछ पास होगा तभी वैक्सीन लॉन्च होगी ताकि ह्यूमन बींग्स को किसी भी प्रकार का नुकसान इस वैक्सीन से न हो जो है, इसीलिए वैक्सीन बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है। धन्यवाद, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, आगे भी हम आपके पास ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।